सो हेलो नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको बताऊं 10 सबसे बड़ी गलतियां जो स्मॉल यूट्यूबर्स करते हैं। और यूट्यूब की शुरुआत में मैंने भी वो गलतियां करी थी। अपन 1.5 साल के एक्सपीरियंस से आपको मैं बताऊं कि मैंने अपनी यूट्यूब जर्नी में क्या क्या गलतियां की थी और उन गलती से मैंने क्या क्या सीखा। तो सबसे आपको बताने वाला डिटेल कौन कौन सी 10 बड़ी जो गलतियां की थी मैंने, वो आप ना करें। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा कि मैं 1.5 साल से यूट्यूब पर हूँ, तो आप इस चैनल को जरा देख सकते हैं, जिनमें एक यूट्यूब चैनल है जो 1.5 साल पहले का है। यहाँ पर आप इसको वीडियो भी देख सकते हैं, इसमें मैं ओल्ड पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर ओल्ड पे आप चेक कर सकते हैं, मेरी ओल्डेस्ट वीडियो भी चेक कर सकते हैं जो 1 साल पहले की है। और जो मेरे ये वाला चैनल ना, इसको 9 महीने हो चुके हैं, आप इसको चैनल को भी चेक कर सकते हैं। अब मैं बताऊंगा सबसे पहली गलती क्या, वो सबसे बड़ी गलती या सबसे पहली गलती है जो छोटे यूट्यूबर्स करते हैं। वो सबसे पहली गलती है हमारी माइंडसेट की। वो इस माइंडसेट से आते हैं कि हम यूट्यूब पर खाली 5-6 महीने काम करेंगे, 5-6 महीने के अंदर यूट्यूबर्स बन जाएंगे। तो ऐसा भाई यूट्यूब पर नहीं होता। आज के टाइम में यूट्यूब पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, इस वजह से अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हो तो आपको 1 से 1.5 साल लगेंगे। 2 साल भी ले सकते हैं, 3 साल भी ले सकते हैं। आप और भी क्रिएटर को देख सकते हैं, उनको कितना टाइम लगा है यूट्यूब पर सक्सेसफुल होने में, कम से कम 2 साल या 3 साल तो उनको लगी हैं। और बहुत से तो 5-6 साल भी लग जाते हैं यूट्यूबर बनने में। तो सबसे पहली गलती हम करते हैं माइंडसेट की। हम इस माइंडसेट से आते हैं कि 5-6 महीने में यूट्यूबर बन जाएंगे, पर ऐसा होता नहीं है। मैं भी इस माइंडसेट से आया था कि 5-6 महीने यूट्यूब पर हम काम करेंगे और यूट्यूबर बन जाएंगे और लाखों रुपए बनाएंगे यूट्यूब से, पर ऐसा हुआ नहीं। मैंने 5-6 महीने यूट्यूब पर काम करा, मेरे फ़ोन वगैरह भी ख़राब हुए, तो मैं डिमोटिवेट होकर यूट्यूब मैंने बंद कर दिया। फिर 2 महीने बाद मैं अपने फ़ोन वगैरह ठीक करा करूँगा, फिर मैंने रीस्टार्ट करा दोबारा से। अब मुझे 1.5 साल हो चुके हैं यूट्यूब पर काम करते करते, बहुत कुछ सीखा यूट्यूब में, कैसे काम करते हैं कैसे नहीं करते हैं, कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है, हमको सब चीज़ मैं आपको बताऊंगा। अगर आप यूट्यूब पर आते हो इस माइंडसेट से आएँ, कम से कम मुझे 2 साल तो देनी है यूट्यूब पर। 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं और जिससे ज़्यादा भी ले सकते हैं यूट्यूब पर। आज के टाइम पर यूट्यूब पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया। आप जिस भी कैरियर में काम करें उसमें पहले आप बड़े बड़े यूट्यूबर को देखें, वो कितने साल से काम कर रहे हैं और कितना अच्छा काम कर रहे हैं, उनको देखें आप। हाँ, कुछ कैटेगरी जिसमें मतलब आप 5-6 महीने के अंदर यूट्यूबर बन सकते हैं, पर उसके लिए आपको स्किल्स की जरूरत पड़ेगी, वो हमारे 3D कार्टून। तो आपने 3D कार्टून देखा, उन पर लाखों मिलियंस में व्यू आते, वो खाली 5-6 महीने के अंदर ही चैनल ग्रो हो जाता है वो वाला। तो उसके लिए आपको 3D कार्टून बनाना सीखना पड़ेगा, उसमें भी समय लगता है, उसमें आपको 4 से 5 महीने ले जाते हैं सीखने के लिए। फिर उस यूट्यूब चैनल पर डालोगे, SEO करोगे, एडिटिंग वगैरह करोगे, बहुत समय लगता है अच्छी। तो ये हमारी सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती थी माइंडसेट की। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरी कौन सी बड़ी गलती है जो हम यूट्यूब पर करते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी गलती हमारी टॉपिक की है। समय में आता है हम किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं, किस पर नहीं बनाएं, कौन सा टॉपिक हमारा वायरल होगा, कौन सा नहीं वायरल होगा। तो ये हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, वीडियो टॉपिक नहीं करते फाइंड। मतलब हम अपनी तरफ से कोई भी वीडियो टॉपिक पसंद करके उसी टॉपिक पर वीडियो बना देते हैं, फिर वो वीडियो में ना व्यूज़ आते ना कुछ आता। टॉपिक की वीडियो बनानी चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा। आपको वीडियो टॉपिक बनानी है सर्च, वो टॉपिक हमारा सर्चेबल हो और कंपटीशन भी हमारा कम हो। जो हमारा सर्चेबल टॉपिक हो उसमें कंपटीशन भी कम हो, तो आप उस टॉपिक वीडियो बना सकते हैं। और एक होता है हमारा एवरग्रीन टॉपिक, मतलब वो हमारा होता है खाली सर्चेबल टॉपिक। जैसे कि मेरी कैटेगरी टेक की कैटेगरी, जिसमें मतलब कि सबसे ज़्यादा सर्च करे जाते हैं, जैसे यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं, सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं और व्यूज़ कैसे बढ़ाएं और यूट्यूब चैनल को मोनेटाइजेशन कैसे करें, जो मतलब एवरग्रीन कंटेंट होता है, इसको हम कहते हैं एवरग्रीन कंटेंट। हर बार सर्च किए, हर साल सर्च किए जाते हैं हमारे कीवर्ड, और आप इन कीवर्ड पर भी अपनी वीडियो बना सकते हैं। आप अपनी कैटेगरी में सोचिए कि आपकी कैटेगरी में तो कौन कौन से कीवर्ड ज़्यादा सर्च किए जाते हैं, हर साल सर्च किए जाते हैं, उन टॉपिक पर आप अपनी वीडियो बना सकते हैं। और आप वीडियो बना सकते हैं ट्रेंडिंग टॉपिक, मतलब ये इस समय जो ट्रेंडिंग में चल रहा है ना, उस पर आप मतलब वीडियो बना सकते हैं। जैसे मतलब आप यहाँ पर यूट्यूब पर जा सकते हैं, यूट्यूब पर आप ट्रेंडिंग पर क्लिक करेंगे ना, ट्रेंडिंग का ऑप्शन होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ट्रेंडिंग का ऑप्शन होता है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको पता पड़ जाएगी कौन कौन सी वीडियो इस समय वायरल चल रही हैं, ट्रेंडिंग में चल रही हैं। तो आप उनको मतलब अपने हिसाब से, अपनी कैटेगरी के हिसाब से वीडियो बना सकते हैं। अगर फिर भी आपको टॉपिक ढूंढने में अगर दिक्कत होती है तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स होते हैं ना, आप उनकी वीडियो में जो भी लेटेस्ट वीडियो डालते हैं ना, तो उनके आप कमेंट पढ़ सकते हैं, वहाँ से आपको टॉपिक के आइडिया बहुत सारे मिल जाएंगे। नहीं तो आपको वाइट स्टूडियो में आपको जाना है, रिसर्च वाले ऑप्शन पर आपको जाना है, वहाँ से भी आपको मतलब वीडियो टॉपिक काफ़ी मिल जाएंगे। और आपको वीडियो क्यों आपको 3 टॉपिक भी दे देता है रोजाना के, कौन सा हाई है, कौन सा मीडियम है, कौन सा लो वॉल्यूम है, मतलब आपको वहाँ से 3 टॉपिक वहाँ से भी आपको मिल जाते हैं, वहाँ से भी आप अपनी वीडियो को टॉपिक फाइंड कर सकते हैं, वीडियो उस पर बना सकते हैं। तब भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाई, वो आप यहाँ पे आई बटन में आके चेक कर सकते हैं, नहीं तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँ, वहाँ से आप जाकर उस वीडियो को चेक कर सकते हैं और आप मेरे वीडियो टॉपिक की समस्या को आप हल कर सकते हैं। तो ये हमारे दूसरे नंबर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, इसको हमने हटा दिया है। तो अभी हम चलते हैं 3rd प्रॉब्लम पर। और तीसरी सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं, हम कैसे हमको वीडियो शूट करने या कैसे हमको वीडियो बनाना, शुरुआत में वीडियो को हमें क्या बोलना है, बीच में क्या बोलना है, लास्ट में क्या बोलना है, मतलब वीडियो शूट करना सीखते ही नहीं है, ना वीडियो हम बनाना सीखते, कैसे वीडियो बनाई जाती है, सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं। तो मैं आपको बताऊँ वीडियो शूट कैसे करी जाती है,
और मतलब वीडियो बनाने का तरीका क्या होता है, शुरुआत में क्या बोला जाता है और लास्ट में क्या बोला जाता है, बीच में क्या बोला जाता है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो शूट करने का खाली सिंपल तरीका, खाली आपको सामने अपना स्टैंड रख लेना है और आपको एक सामने लाइट लगनी है। अगर आपके पास लाइट नहीं तो आप रूम से बाहर जाकर ही बना सकते हैं, अपनी छत पे बना सकते हैं, अपने गांव में बना सकते हैं अपनी वीडियो। खाली आपके पास स्टैंड, एक मोबाइल होना चाहिए और एक ये बोया का माइक होना चाहिए। अगर बोया का माइक नहीं, अगर वॉइस ओवर वाली वीडियो आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस खाली आपको ध्यान रखना है, जो आप बोल रहे हैं ना वो खाली कैमरे में देख कर ही बोलें और लाइट को अपने सामने रखें। अगर आप लाइट का यूज़ करें तो लाइट को अपने सामने रखें। अगर आप वीडियो शूट करें तो आपके लाइट खाली सामने अपने चेहरे पर आनी चाहिए, आगे नहीं पीछे आनी चाहिए। आप जैसे तो हल्का हल्का शेडो आ रहा है, तो इसको मैं आने वाले समय में दूर करने वाला हूँ। अब मैं आपको बताऊँगा कि वीडियो बनाने का तरीका क्या होता है, एक वीडियो का आपको फॉर्मेट भी दूंगा, किस फॉर्मेट की वीडियो बनाई जाती है तो अभी मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे दोस्तों, ये हमारा वीडियो का बनाने का तरीका, मैं अपनी वीडियो को इस तरीके से बनाता हूँ, या 30 सेकंड का या मैं 1 मिनट का, मतलब कि हुक प्लस प्रॉब्लम। ये हुक प्लस प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हमारे वीडियो का टॉपिक है कि सब्सक्राइबर कैसे बनाएं, तो मैं आपको ये वीडियो की एक्टिंग करके दिखाऊंगा, प्लस प्रॉब्लम आपको लगाकर दिखाऊंगा, मैं वीडियो की एक्टिंग कर रहा हूं। सो हेलो नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको बताऊं आप 24 घंटे के अंदर अपने 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर सकते हैं। जो मैंने आपको अभी करके दिखाया ना, वो हो गया हुक प्लस प्रॉब्लम। उसमें प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम थी हमारी 1000 सब्सक्राइबर। जो स्मॉल क्रिएटर होते हैं ना, वो खाली 1000 सब्सक्राइब करने के लिए पीछे दौड़ते हैं। तो ये तो हो गई हमारी प्रॉब्लम, तो ये तो हो गई हमारी प्रॉब्लम। इसमें ना हुक क्या जोड़ा था कि 24 घंटे के अंदर 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। तो ये हो गया था हमारा हुक, 24 घंटे के अंदर मतलब कि सब्सक्राइबर होने वाले 1000। तो 1000 सब्सक्राइबर हो गई हमारी प्रॉब्लम और 24 घंटे हो गए हमारे हुक। तो ऐसा आपको हुक प्लस प्रॉब्लम लगाना है अपनी वीडियो में। फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। जो भी आपकी कैटेगरी है, जो बड़े बड़े क्रिएटर हैं ना, आपको उनकी वीडियो को देखना है, एक व्यूअर के नाते नहीं देखना, एक क्रिएटर के नाते आपको देखना है वो वीडियो शुरुआत में ऐसा क्या बोलते हैं कि हम मतलब उनकी वीडियो को लास्ट तक देखते हैं। उनका वो वीडियो ऑब्जर्व करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, तभी आप वीडियो बनाना सीख पाओगे। हुक प्लस प्रॉब्लम को या 30 सेकंड का रखना है या 1 मिनट का रखना है, इससे ज्यादा आपको अगर आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आपको ये जो बीच का जो हिस्सा बचा, जैसे बीच का हिस्सा ना, इसमें आप क्या बोलना है। जैसे कि मान लो हमारी पूरी जो वीडियो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये खाली हमारी 5 मिनट की वीडियो है ना, इसमें हमने मतलब कि 1 मिनट का था 30 सेकंड, 1 मिनट का हमने हुक प्लस प्रॉब्लम लगा दिया। और जो हमारे बीच का जो हिस्सा बचता है ना, जो हमारे बीच का हिस्सा है, इसको हम 4 मिनट का मान लेते हैं। ये हमारा 4 मिनट का हिस्सा है, इसको हमें इन्फॉर्मेशन देनी है और कॉमेडी, मतलब आप हंसी मजाक भी कर सकते हैं। 4 मिनट के अंदर मैं बताऊँगा आपको ये सब्सक्राइबर 24 घंटे के अंदर कैसे बढ़ाने, वो तरीका मैं मतलब 4 मिनट के अंदर बताऊँगा, इन्फॉर्मेशन भी दूंगा, हंसी मजाक भी करूँगा, जिससे मतलब ऑडियंस कनेक्ट रहे, मतलब कि फ्रेंडली होकर हमारी वीडियो देखे। तो इसमें मैं ये बताऊँगा 4 मिनट के अंदर। और बच्चे हमारे मतलब थोड़ा सा ये समय बचता है, 1-1.5 मिनट का हमारा समय जो बचता है, इसमें मतलब फिर आपको यहाँ पर आपको सब्सक्राइब करने के लिए बोलना चाहिए। हमारा जो एरिया ना, इसमें आपको सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए बोलना है, बेल आइकन कॉल पे प्रेस करने के लिए बोलना है, मतलब जो हमारा हो गया कॉल टू एक्शन। और जो हमारा लास्ट में जो बचता है ना हमारा, जो क्योंकि थोड़ा बहुत सेकंड का जो बचता है, 30 सेकंड का हम मान लेते हैं, इसको हमको नेक्स्ट वीडियो हमको प्रमोट करनी है। नेक्स्ट वीडियो हमको ऐसे प्रमोट करनी है, जैसे कि मैं यहाँ पर सब्सक्राइबर बढ़ाने का तरीका बताया 24 घंटे के अंदर, तो मैं हमारे यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो हम प्रमोट करता था, जैसे कि हम अपने व्यूज़ कैसे बढ़ाएं। तो यहाँ पर मैं अपनी वीडियो के बारे में बता दूंगा कि मेरी दूसरी वीडियोस में मैंने आपको बताया कि इसमें व्यूज़ कैसे बढ़ा सकते हैं आप अपनी वीडियो के, एक हफ्ते के अंदर अपनी वीडियो कैसे वायरल करें, इस वाले हिस्से में अपनी वीडियो में प्रमोट कर दूंगा। तो ऐसा आपको मतलब ग्राफ बनाना है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। ऐसा आप अपनी वीडियो को फॉर्मेट रखना, ऐसा आपको अपनी वीडियो को बनाना है। और एक आध दो चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, जो हमारा ये शुरुआत का पार्ट होता है ना, आप अपनी वीडियो में मतलब वीडियो की क्लिप भी लगा सकते हैं, फोटो भी लगा सकते हैं, जिससे आपको लगानी है, आप वहाँ पर अपनी वीडियो में ट्रांजेक्शन लगाएं, साउंड इफेक्ट लगाएं, जिससे आपको लगानी है। अगर आप इस फॉर्मेट से अपनी वीडियो बनाएंगे ना, जिससे आपका ऑडियंस रिटेंशन भी काफ़ी अच्छा आने वाला है, मेरा भी ऑडियंस रिटेंशन आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो ये थी हमारी 3rd सबसे बड़ी मिस्टेक, इसको हमें रफ कर दिया। अब मैं बताता हूँ कि 4th कौन सी बड़ी गलती जो स्मॉल यूट्यूबर्स करते हैं। और 4th सबसे बड़ी गलती, छोटे यूट्यूबर जी कहते हैं अपनी वीडियो एडिट करना नहीं सीखते हैं, तो जिसकी वजह से आपका ऑडियंस रिटेंशन भी कम आता है, एवरी व्यू ड्यूरेशन भी आपका कम आता है, जिस सब कुछ मतलब आपको डाउन जाने लगता है, ऐसे करके आपको डाउन जाने लगता है। अगर आप अपनी वीडियो का एडिट करना नहीं सीखो तो आप दोनों चीज़ आपकी ये डाउन जाने वाले हैं। और जी दोनों चीज़ डाउन चलेगी ना, आपकी वीडियो में व्यू आने वाले, ना सब्सक्राइबर कुछ नहीं आने वाले। एवरेज व्यू ड्यूरेशन आपको होता क्या, मैं आपको बताता हूँ। एवरेज व्यू ड्यूरेशन वो होता है, जैसे कि मैंने आपकी वीडियो पर क्लिक करा है ना, और मैंने आपकी वीडियो कितनी देर तक देखी, वो कम से कम 2 मिनट का तो और बनना चाहिए, तब आपकी वीडियो आगे YouTube प्रमोट करता है। अगर इससे कम आता है तो आपको अपनी वीडियो में होता है इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, एडिटिंग वगैरह करने की जरूरत है, वो इंप्रूवमेंट हो सकता है आपकी एडिटिंग से हो सकता है। और ऑडियंस रिटेंशन क्या होता है, ऑडियंस रिटेंशन हमारा वो होता है, जैसे कि 100 बंदों ने हमारी वीडियो पे क्लिक करा,
क्लिक करने के बाद इसमें से 20 छोड़कर भाग गए हमारी वीडियो को, और जो हमारे वीडियो पर खाली 80 बंदे रुके तो हमारी वीडियो का ऑडियंस रिटेंशन हो जाएगा 80%। मतलब जब जो हमारी जो ऑडियंस 80% रुकी है ना, तो हमारा ऑडियंस रिटेंशन हो जाएगा 80%। और 80% हमारी ऑडियंस रिटेंशन छोड़कर भाग जाती है तो हमारा ऑडियंस रिटेंशन बचेगा खाली 20%, जो तुम्हारा ऑडियंस रिटेंशन। और इन दोनों चीज़ को आप कैसे अपनी मतलब इम्प्रूवमेंट कर सकते हो वीडियो एडिटिंग सीख कर, और वीडियो एडिटिंग आपको कैसे सीखनी है आपको यूट्यूब पे आकर सर्च करना कि वीडियो एडिटिंग कैसे करते हैं। फ्री ऐप भी हैं वो काफ़ी, जैसे VN हो गया, InShot हो गया, CapCut हो गया, KineMaster हो गया। इन एप्लीकेशन से आप अपनी वीडियो को एडिट कर सकते हैं, एडिट करना सीख सकते हैं। काफ़ी ट्यूटोरियल पढ़े हैं वीडियो एडिटिंग के ऊपर और मैंने बनाया, आप मेरी वीडियो को जाकर चेक कर सकते हैं। अब तो YouTube की खुद की एप्लीकेशन आ गई YouTube क्रिएटर, उससे आप अपनी वीडियो को एडिट कर सकते हैं। आप अपने ऑडियंस रिटेंशन को, एवरेज व्यू ड्यूरेशन को कैसे बढ़ा सकते हैं, आप अपनी वीडियो में वीडियो क्लिप्स का यूज़ कर सकते हैं, फोटोज़ का यूज़ कर सकते हैं, और ट्रांजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं, साउंड इफेक्ट का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इन चीज़ों का यूज़ करोगे ना, ऑडियंस रिटेंशन में आपको काफ़ी अच्छा आने वाला है और एवरेज व्यू ड्यूरेशन भी काफ़ी अच्छा आने वाला है। आपको अपनी वीडियो एडिट करते समय वीडियो क्लिप्स का यूज़ करना है, फोटोज़ का यूज़ करना है, साउंड इफेक्ट का यूज़ करना है, तो इन चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसके साथ आपको सीखनी पड़ेगी तभी आप एक बड़े यूट्यूबर बन पाओगे। तो ये थी हमारी चौथी सबसे बड़ी गलती। अभी हम चलते हैं अपनी पांचवी गलती पर। पांचवी सबसे बड़ी गलती छोटे यूट्यूबर ये करते हैं, वो थंबनेल बनाना नहीं सीखते हैं। बहुत सी वीडियो पर तो मैंने देखा बहुत से जो यूट्यूबर हैं वो थंबनेल लगाते नहीं हैं, ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। जो हमारे व्यूअर होते हैं सबसे पहले उनको हमारा खाली थंबनेल दिखता है, थंबनेल देखकर ही हमारी वीडियो पे क्लिक करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारी थंबनेल। अगर आपका थंबनेल ही अच्छा नहीं बना होगा तो आपको यहाँ पे CTR लो आने वाला है, मतलब कि खाली यहाँ पे आपका 1%, 2% या 3% आने वाला है अगर आपका थंबनेल सही नहीं होगा तो। CTR को हम कहते हैं क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट होता है जैसे एक हमारी वीडियो है ना, वीडियो को यूट्यूब ने भेजा 100 लोगों तक हमारी वीडियो को भेजा, उसमें से खाली क्लिक करा 10 लोगों ने, तो अगर 10 लोगों ने क्लिक करा तो हमारा CTR हो जाएगा 10%। इसको हम कहते हैं क्लिक थ्रू रेट। तो क्लिक थ्रू रेट हो जाएगा हमारा 10%। आपका क्लिक थ्रू रेट होना चाहिए कम से कम 6% से लेकर 15% तक तो होना चाहिए आपका क्लिक थ्रू रेट। अगर आपका इससे भी कम है तो आपकी वीडियो मतलब कि वायरल होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। आपको अपने थंबनेल को मतलब एडिट करने की जरूरत है और संभालने की जरूरत है। अगर आपको थंबनेल बनाना नहीं आता तो आप थंबनेल बनाने के लिए यहाँ पर पिक्सेल लैब को यूज़ कर सकते हैं, कैनवा का यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर आप बहुत सारे अच्छे अच्छे थंबनेल बना सकते हैं। और थंबनेल बनाने का मैं फॉर्मूला बताऊँ आपको सीधा। ये हमारा जैसे कि हमारी थंबनेल है, इतना बड़ा हम अपना थंबनेल मान लेते हैं ना। या अगर आप अपने फेस का यूज़ करना चाहते हैं यहाँ पर आप अपने फेस का भी यूज़ कर सकते हैं ना, और फेस का यूज़ कर सकते हैं। जो आप जो थंबनेल बनाना है आपको यहाँ पर कम से कम टेक्स्ट का यूज़ करना है, जितने में हो सके उतना कम टेक्स्ट का यूज़ करना है। और यहाँ पर एलिमेंट का यूज़ करते हैं तो आपको एलिमेंट का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, मतलब आपको कम से कम टेक्स्ट आपको रखना है यहाँ पर। जो भी हम यहाँ पर लिखते हैं ना वो आपको कम से कम यहाँ पर लिखना है, तभी आपके लिए थ्रू रेट आपका पढ़ने वाला है। अगर आप कम लिखेंगे तो आपका मतलब जो भी व्यूअर है ना वो जल्दी जल्दी क्लिक करे, उसको अच्छी तरह समय में आएगा वो जल्दी जल्दी क्लिक करे। आप मेरी वीडियो थंबनेल जैसे कितने अच्छे अच्छे थंबनेल बनाए, और क्लिक थ्रू रेट भी आप चेक कर सकते हो कितने अच्छे से क्लिक थ्रू रेट आता है, 6% 11% तक मेरा क्लिक थ्रू रेट आ जाता है। और बहुत से लोग तो मैंने ऐसे देखे वो अपने थंबनेल को खाली पोस्टर बना देते, बहुत सारे यहाँ पे कुछ यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे, सर के ऊपर लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे, मतलब वो अपने अपने जो थंबनेल मतलब बहुत सारा कचरा भर देते हैं ऐसे करके लिख देंगे, तो उसका जो थंबनेल नहीं होता वो खाली पोस्टर बन जाता है, वो इन्फॉर्मेशन के लिए बन जाता है। हमको अपने थंबनेल को ऐसा बनाना कम से कम उसमें वर्ड लिखने हैं। अगर आप फोटो यूज़ करते हैं तो आप फोटो को यूज़ कर सकते हैं। तो ये होता हमारा थंबनेल बनाने का फॉर्मूला। अगर आपके पास PC तो आप यहाँ पे फोटोशॉप का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप थंबनेल बनाए तो उसमें कलर ग्रेडिंग भी काफ़ी अच्छी करें। और छठवीं सबसे बड़ी गलती आप ये करते हैं, अपनी वीडियो अपलोडिंग करना नहीं जानते, अपनी वीडियो को अपलोड करना नहीं जानते। आप करते हैं जो हमारा यूट्यूब है ना, आप वहीं से मतलब प्लस का जो आइकन दिखता है आपको ऐसे करके, आप वहीं से आप क्लिक करके अपनी वीडियो को अपलोड कर देते हो ना, उसमें अच्छी तरह से आप टाइटल लिखते हो ना, टैग लिखते हो ना, डिस्क्रिप्शन लिखते हो। आपको अपनी वीडियो गूगल क्रोम से अपलोड करनी है। अगर आप वहाँ से अपनी वीडियो अपलोड करो तो आपको पूरे ऑप्शन मिल जाते हैं, वहाँ से आप अच्छी तरीके से SEO भी कर सकते हो। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको एक दिखाता हूँ, अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर आप मेरी मॉल की स्क्रीन भी दे सकते हैं, और यहाँ पर मैं अपना यहाँ पर गूगल क्रोम को करता हूँ ओपन है। अब गूगल क्रोम को ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं अपना यूट्यूब चैनल को सर्च कर लूँगा। यहाँ मैंने अपना यूट्यूब चैनल सर्च कर लिया। अब सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर थ्री डॉट पे करना है क्लिक, और इसको कर लेना डेस्कटॉप साइट पर। अब डेस्कटॉप साइट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपने चैनल का लोगो दिख रहा हो साइड में छोटा सा कोने में, आपको दिखाता हूँ। यहाँ मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। अब क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे व्यू चैनल पे करना है क्लिक, व्यू योर चैनल पे आपको करना है क्लिक। इस पर भी हम क्लिक कर लेते हैं।
अब क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कस्टमाइज चैनल पर करना है क्लिक। आप अपने यूट्यूब स्टूडियो में हो जाओगे ओपन क्रोम साइट पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। फिर यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है, आप देख सकते हैं क्रिएट का, तो आपको यहाँ पर क्रिएट रेड वाला आइकन पर करना है क्लिक। यहाँ पर अपलोड पर करना है, अपलोड अ वीडियो पर करना है क्लिक। अपलोड अ वीडियो पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना, आपको यहाँ पर सेलेक्ट पर क्लिक करना है, इसको कर देना एलॉय और अपनी वीडियो मतलब कि आपको कर देनी अपलोड। तो यहाँ से आपको अपनी वीडियो करनी है अपलोड। फिर यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे, मतलब टैग लिखने का ऑप्शन मिल जाएगा, थंबनेल लिखने का ऑप्शन मिल जाएगा आपको यहाँ पर। तो यहाँ से आपको मतलब एंड स्क्रीन लगाने का ऑप्शन मिल जाएगा और आइकन होता है वो भी आपको लगाने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एक आई बटन यहाँ पर मैं लगा देता हूँ, ऐसा होता है आई बटन। ऐसे भी आप अपनी यहाँ पर गूगल क्रोम में जाकर ऐसे लगा सकते हैं आप। और आपको यहाँ पर प्रॉपर अपना वीडियो को एसईओ करना पड़ेगा, फुल एसईओ आपको करना है। फुल एसईओ में हमारे यहाँ जैसे कि टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग जी, आपको मतलब टाइटल आपको सर्च करके लिखना है। अगर आपको एसईओ करना नहीं आता, मतलब अपनी यूट्यूब वीडियो का एसईओ कैसे करें है ना, तो आपको मतलब कि यूट्यूब पर सर्च कर लेना है YouTube वीडियो का SEO कैसे करें, तो बहुत सारी वीडियो आ जाएंगी वहाँ पर। आप किसी भी एक वीडियो पर क्लिक करिए, एक दो भी आप वीडियो पर क्लिक करके आप अपने वीडियो का SEO भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस टॉपिक में वीडियो बनाऊं, तो आपको कमेंट बताना कि इस टॉपिक में वीडियो बना दूंगा, आपको मतलब YouTube वीडियो SEO कैसे करते हैं, वो आपको वीडियो मिल जाएगी एक दो दिन में देखने के लिए। और मैंने एक आध दो मतलब कि टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन कैसे लिखते हैं इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, वो आपको मतलब कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसमें डिस्क्रिप्शन में जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आपको मतलब अपनी वीडियो को अपलोडिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है, आपको गलत तरीके से अपलोडिंग नहीं करनी है तो आपको गूगल क्रोम से आपको अपनी वीडियो अपलोड करनी है, वहाँ से एकदम अच्छी तरीके से अपलोड होती है आपकी वीडियो। और वीडियो अपलोड करने के बाद आपको तुरंत ही पब्लिश नहीं करनी है, आपको वीडियो अनलिस्ट में कर देनी है। अनलिस्ट में करने के बाद आपको उसको टाइटल भरना है, डिस्क्रिप्शन भरना है, और डिस्क्रिप्शन में मतलब एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, वहाँ पर आपको मतलब योर क्वेरीज लिख के और आपको वहाँ पर बहुत सारे कीवर्ड्स लिख देने हैं। इसमें आपको हेल्प करेगा vidIQ। vidIQ एक अच्छा मतलब कि ऐप है, उससे आप प्रॉपर SEO कर सकते हो, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा SEO करने में। और vidIQ के ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा, वो आपको मतलब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी छठवीं सबसे बड़ी गलती अपलोडिंग की, तो ये तो मैंने आपको क्लियर कर दी है। अब मैं आपको बताता हूँ सातवीं कौन सी बड़ी गलती है जो छोटे यूट्यूबर्स करते हैं, जो शुरुआत में मैंने भी की थी। और सातवीं सबसे बड़ी गलती है, हम अपने चैनल का SEO नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमारा चैनल मतलब टॉप वन पर नहीं आ पाता। अगर आपको कोई चैनल सर्च करता है, कोई भी चैनल सर्च करता है, अगर वो टॉप वन पर नहीं रैंक करेगा, तब तक आपके चैनल कोई पहचानेगा नहीं। आपको अपने चैनल का SEO कैसे करना है, जैसे कि आपको अपने चैनल का नाम रखना है, मतलब शॉर्ट रखना है, एकदम सिंपल रखना है। और आपको मतलब पहले से आकर YouTube पर सर्च कर लेना है उसके नाम से और कोई चैनल है कि नहीं है, वो चीज़ आपको यहाँ पे चेक कर लेनी है। अगर चैनल का SEO करना नहीं आता है, तो इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बना दी, वो आप डिस्क्रिप्शन में आकर चेक कर सकते हैं। तो आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं कि YouTube चैनल का SEO कैसे करें। SEO में हमारा मतलब जी चीज़ आती है, जैसे आपको अपने चैनल के जो टैग होते हैं ना, टैग का ऑप्शन मिलता है, मैं आपको दिखाता हूँ, इसकी शेयर करके आपको दिखाता हूँ, वो टैग आपको यहाँ पर भर लेने हैं, उससे आपका चैनल काफ़ी ज़्यादा सर्च में आता है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे चैनल मैंने ओपन कर लिया क्रोम ब्राउजर पर डेस्कटॉप साइड पर। फिर आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना, नीचे आपको यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको उस पर करना है क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ना चैनल वाले ऑप्शन पर, और चैनल वाले ऑप्शन पर आने वाले यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिक इन्फो है ना, तो यहाँ पर जो है कीवर्ड का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको है ना। आपका चैनल जिस कैटेगरी से रिलेटिव है ना, जिस कैटेगरी से रिलेटिव आपको वीडियो डालते हो ना, उस कैटेगरी से रिलेटिव जितने भी कीवर्ड होते हैं ना, वो आपको यहाँ पे कर देना पेस्ट। और आपको अपने यूट्यूब चैनल का नाम यहाँ पे दो तीन बार डाल देना, अलग अलग तरीके से आपको डाल देना है, जो बहुत से लोग मतलब स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं, उस तरीके से आपको यहाँ पे अपने यूट्यूब चैनल का नाम डाल देना दो तीन तरीके से। जैसे मैं डालता हूँ डिजिटल भविष्य, और डिजिटल भविष्य जी और भविष्य डाल देता हूँ मैं, तो ऐसा आपको यहाँ पे अपने यूट्यूब चैनल का नाम डाल लेना है। तो यहाँ पर हमको कीवर्ड डालने में SEO बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। आप YouTube पे सर्च कर लेना YouTube चैनल का SEO कैसे करें, वहाँ से आप इन वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, नहीं तो मैं इसके ऊपर एडिटेड वीडियो बना दूंगा, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँ, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। आपको अपने चैनल का नाम हमेशा शॉर्ट रखना, एकदम सिंपल रखना है। जैसे मेरे चैनल का नाम है डिजिटल भविष्य जी, हल्का सा शॉर्ट भी है और सिंपल भी करने में, तो ऐसा आपको अपने YouTube चैनल का नाम रखना है। और आठवीं सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं, अपनी वीडियो को एनालाइज नहीं करते हम। उसको हमें ये पता पड़ जाता है कि हमारी ऑडियंस क्या देखना पसंद करती है, क्या देखना पसंद नहीं करती है, और हमारी वीडियो लाइक कर रही है, डिसलाइक कर रही है, हमारी वीडियो को कितनी देर तक देख रही है, नहीं देख रही है,
वो चीज़ आपको वाटर स्टूडियो में से पता पड़ जाती है। थोड़ा बहुत मैं इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वाटर स्टूडियो में क्या क्या चीज़ चेक करते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो वीडियो एनालाइज करने में आपके तीन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो आपको देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पहली चीज़ होती है हमारी ऑडियंस रिटेंशन। अगर आपको जिस चीज़ मैंने आपको पहले बता दी मैं आपको थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ। ऑडियंस रिटेंशन जैसे कि हमारा होता है कि हमारी वीडियो जैसे कि 100 लोग आए है ना, 100 लोग आए तो मतलब उसमें से कितने लोग रुके, जैसे उसमें से 60 लोग रुके, 60 लोगों ने मतलब हमारी वीडियो क्लिक करके ज़्यादा देर तक देखी तो वहाँ हमारा ऑडियंस रिटेंशन हो जाएगा 60%। अगर आपका ये ऑडियंस रिटेंशन 60% आ रहा है तो आपका अच्छा है। अगर आपको मतलब कि ऑडियंस रिटेंशन जैसे कि आ रहा है 10% आ रहा है, 15% आ रहा है या 20% आ रहा है तो आपका ऑडियंस रिटेंशन काफ़ी ज़्यादा बेकार है। आपको अपनी वीडियो में इंप्रूवमेंट करने की ज़्यादा ज़रूरत है। और आपका ऑडियंस रिटेंशन जैसे कि 30 से ऊपर आ रहा है, आपका ऑडियंस 30% से ऊपर आ रहा है, जैसे 30 हो गया, 35 हो गया, 40 हो गया और मतलब 50 हो गया, 60 हो गया, तो ये काफ़ी अच्छा ऑडियंस रिटेंशन है। आपकी वीडियो के वायरल होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारी मतलब कि क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट होता है हमारे मतलब जो हमारे जो थंबनेल होता है उसमें मतलब क्लिक कितने आ रहे हैं। अगर 100 लोगों तो हमारी वीडियो जा रही है उसमें 10% लोग क्लिक कर रहे हैं तो हमारा क्लिक थ्रू रेट हो जाएगा 10% तो काफ़ी अच्छा होता है क्लिक थ्रू रेट। और कम से कम मतलब कि 6% तो होना चाहिए आपका। अगर 6% से आपके कम आ रहा है, जैसे कि आपका 2% आ रहा है, 3% आ रहा है, 4% आ रहा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा बेकार है। अगर आपका 6 से लेके मतलब कि 12% तक आ रहा है तो काफ़ी अच्छा क्लिक थ्रू रेट है आपका। और थर्ड इम्पोर्टेंट चीज़ होती है हमारी एवरेज व्यू ड्यूरेशन, कि हमारी जो ऑडियंस है ना वो हमारे वीडियो को कितनी देर तक देख रही है। जैसे कि आपकी वीडियो मतलब आपकी वीडियो है 10 मिनट की वीडियो है, जैसे कि 10 मिनट की हम वीडियो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, 10 मिनट की वीडियो है, आपकी ऑडियंस जैसे कि 5 मिनट तक देख रही है, तो आपको 5 मिनट तक अगर आपकी ऑडियंस देख रही है तो आपको ऑडियंस रिटेंशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर जी ऑडियंस आपके मतलब 1 मिनट तक देख रही है, 1 मिनट तक देख रही है, अगर 1.5 मिनट तक देख रही है तो आपको ऑडियंस रिटेंशन काफ़ी ज़्यादा बेकार है। आपको अपनी वीडियो में इंप्रूवमेंट करने की ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे आप अपनी वीडियो में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, जैसे कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एडिटिंग कर सकते हैं, साउंड इफेक्ट लगा सकते हैं, क्लिप्स लगा सकते हैं, फोटो एंड वीडियोज होते हैं वो आप अपनी वीडियो में ऐड कर सकते हैं, कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं आप अपनी वीडियो में। और आपको अपनी वीडियो में ऐसे हिसाब से बोलना है कि आपके ऑडियंस शुरुआत से लेकर लास्ट तक अपनी वीडियो देखे देखे, ऐसा आपको अपनी वीडियो में बोलना है। आपको तुम्हारे जीती तीन इंपॉर्टेंट चीज़, आपको इन तीनों चीज़ों को आपको ज़्यादा ज़्यादा ध्यान रखना है अगर आपको अपनी वीडियो एनालाइज कर रहे हैं तब। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बना दी, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं उस वीडियो को। और नौवीं सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं, जो हमारा वाइट स्टूडियो है ना उसको हम चलाना नहीं सीखते हैं, मतलब उसको यूज़ करना नहीं सीखते, बस खाली उसमें हम वॉच टाइम चेक करते हैं और कितने सब्सक्राइबर आ रहे हैं, कितने व्यू आ रहे हैं, बस हम उसी चीज़ को चेक करते हैं। हमको यहाँ पर वाइट स्टूडियो प्रॉपर चलाना आना चाहिए, यूज़ करना आना चाहिए कि उसमें से हमारे व्यू कितने आए, सब्सक्राइबर कितने हुए हैं और हमारा ऑडियंस रिटेंशन क्या आया, मतलब सब चीज़ आपको चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नहीं आता मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ होती वो हम आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ अपनी स्क्रीन शेयर करके। यहाँ पर मैंने अपनी स्क्रीन को कर लिया शेयर और यहाँ पर आप मेरी स्क्रीन को यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने अपने वाइट स्टूडियो कर लिया ओपन। ये कि मेरे चैनल है ऋषभ बौद्ध ब्लॉग के नाम से, इसको आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। डैशबोर्ड को तो आप यहाँ पर समझते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारा व्यूज़ हो गए, वॉच टाइम हो गया, अगर मेरा मोनेटाइज होता तो यहाँ पर मतलब कितने डॉलर बने कितने दिन के अंदर वो चीज़ भी यहाँ पर दिखाता है ना। फिर यहाँ पर आपको कॉन्टेंट का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर जो भी आपने वीडियो डाली है, जैसे कि लॉन्ग वीडियो डाली है या शॉर्ट डाली है या लाइव जो स्ट्रीम करी है ना वो चीज़ आपको यहाँ पर दिखाएगा और प्ले लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाएगा। फिर यहाँ पर आपको यहाँ पर कमेंट का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पर अर्न का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है कि यूट्यूब का कितना क्राइटेरिया है वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखा टू स्टेप वेरिफिकेशन, ये आपको जल्दी जल्दी कर लेना है। टू स्टेप वेरिफिकेशन आपको यहाँ पर दिखता है तो आपको उसको जल्दी जल्दी कर लेना है, इससे आपका चैनल हैक नहीं होगा, ये आपको यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर मैं एनालिस एनालिटिक्स पे करता हूँ क्लिक, तो यहाँ से आपको अपने वीडियो करना है एनालिसिस, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मेरे व्यूज़ कितने आए हैं, यहाँ पर मेरा वॉच टाइम कितना हुआ, यहाँ पर मेरे सब्सक्राइबर कितने आए हैं, जब आप जैसे टॉप कंटेंट और रियल टाइम मतलब रियल टाइम मेरे कितने व्यूज़ आए हैं, या रियल टाइम में मैं करता हूँ क्लिक, यहाँ मैं 60 मिनट में कितने व्यू आए हैं और 48 घंटे में कितने व्यूज़ आए हैं, तो यहाँ से हमको ये पता पड़ जाती है। यहाँ पर आपको रिसर्च का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से आपको मतलब जो वीडियो के टॉपिक्स होते हैं ना वो आपको यहाँ से अच्छी तरीके से मिल जाते हैं, जैसे कौन से ट्रेंडिंग में टॉपिक चल रहे हैं वो चीज़ आपको यहाँ से मिल जाती है। यहाँ से आप अपने जैसे टॉपिक में सर्च करता हूँ माई फर्स्ट ब्लॉग, यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मैंने सर्च कर लिया माई फर्स्ट ब्लॉग सर्च कर लिया। यहाँ मैं सर्च टर्म पे करूँगा क्लिक, सर्च टर्म पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जाना सर्च ऑन यूट्यूब पे करना है क्लिक आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप इस अगर आप इस टॉपिक वीडियो बनाएंगे तो इसका वॉल्यूम कितना है,
यहाँ पर जैसे हाई वॉल्यूम दिखा रहा है, हाई वॉल्यूम, तो ये आपको यहाँ से बहुत सारे टॉपिक मिल जाते हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर अपने मतलब टाइटल भी बना सकते हैं, टैग भी बना सकते हैं और आप अपने डिस्कशन में भी लिख सकते हैं। ये आपको SEO में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। आप इन टॉपिक पे वीडियो भी बना सकते हो। तो यहाँ से आपको वाइट स्टूडियो में ये फ़ायदा मिल जाता है। यहाँ से आपको इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियो मिल जाती है देखने के लिए। इनको आप देख कर सीख सकते हैं कि किस तरीके से वीडियो बनाई जाती हैं। फिर आपको यहाँ पर कॉन्टेंट का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर वो ये चीज़ें मतलब कि क्लिक थ्रू रेट, मतलब यूट्यूब ने हमारे वीडियो पे इंप्रेशन कितने भेजे हैं, वो चीज़ आपको यहाँ से देखने के लिए मिल जाती है। और क्लिक थ्रू रेट मैंने बता दिया, एवरेज व्यू ड्यूरेशन वो बता दिया मैंने। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाउ व्यूअर फाइंड योर वीडियो, मतलब आपकी जो वीडियो है ना वो मतलब कि आपकी व्यूअर कहाँ से देख रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं डायरेक्ट अननोन, मतलब मेरे यूट्यूब चैनल सर्च करके डायरेक्ट उस पर क्लिक कर रहे हैं। और चैनल पेज से देख जा रही है और ब्राउजर फीचर से देख जा रही है मेरी वीडियो। और यूट्यूब सर्च का ऑप्शन, मतलब आपको यहाँ पर आधे ऑप्शन नहीं दिख रहे होंगे कि मेरा ये अभी मैंने नया चैनल खोला है। यहाँ पर आपको रिटर्निंग और न्यू व्यूअर यहाँ पर मिल जाते हैं आपको देखने के लिए। और क्या किस एज के, मतलब आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पर आप अपनी ऑडियंस को भी समझ सकते हैं। वाइट स्टूडियो के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। नहीं तो आप अपने YouTube चैनल पर सर्च कर सकते हैं वाइट स्टूडियो कैसे यूज़ करें, वहाँ से भी आप वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी 9वीं सबसे बड़ी गलती, हम अपने वाइट स्टूडियो चलाना नहीं सीखते हैं। ये आपको चलाना सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। और 10वीं सबसे बड़ी गलती आप ये करते हैं कि आप अपडेट नहीं रहते हैं। अपडेट रहना आपको बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप अपना ट्रेंड को आपको फोकस करना है, जैसे कि आपकी कोई भी कैटेगरी हो सकती है, जैसे कुकिंग की हो सकती है या टेक्नोलॉजी की हो सकती है। मेरी कैटेगरी टेक्नोलॉजी की है ना, तो मेरी कैटेगरी में क्या चीज़ अभी अभी ट्रेंड में चल रहा है वो चीज़ मेरे को चेक करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये होता है अप टू डेट रहना, है ना। जो भी चीज़ ट्रेंड में चली तो उस पर उस टॉपिक का वीडियो बना सकते हैं आपके कैटेगरी से रिलेटिव। तो आपको यहाँ पे अपडेट रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पर जैसे मैं टेक कैटेगरी का क्रिएटर हूँ, है ना, तो मेरी कैटेगरी में मतलब ये मनोज आ जाता है और टेक्निकल योगी आ जाता है और भी ज़्यादा क्रिएटर आ जाते हैं। तो आपको मैं उन क्रिएटर की वीडियो देखता हूँ, है ना, वो किस तरीके से वीडियो बना रहे हैं, कौन से टॉपिक वीडियो बना रहे हैं, तो उस टॉपिक में वीडियो बना सकता हूँ या नहीं बना सकता, या उनसे हटके वीडियो बना सकता है नहीं बना सकता। तो आपको भी ऐसा काम करना है। जो भी आपकी कैटेगरी है, आपकी कैटेगरी से रिलेटिव जितने भी क्रिएटर है ना, उनको आपको वॉच करना है, उनकी हर वीडियो को वॉच करना है, मतलब उनको एनालाइज करना है कि वो किस टॉपिक वीडियो बना रहे हैं। और यूट्यूब में जितने भी अपडेट होते हैं ना, तो है ना, उनको आपको चेक करना जरूरी है कौन कौन से अपडेट हो रहे हैं, कौन कौन सी पॉलिसी वगैरह चेंज हो रही हैं, कौन सी गाइडलाइंस चेंज हो रही हैं, मतलब आपको ये चीज़ चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर आपको अपडेट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो ये थी आपकी 10वीं सबसे बड़ी गलती, आपको अब नहीं रहते हैं यहाँ पर, है ना। तो आपको अपडेट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको मतलब कि चेक करते रहना है कि मतलब कौन सी ट्रेंड में चल रही है, कौन सी नहीं चल रही है, और ट्रेंड में चल रही तो उस टॉपिक आप वीडियो बनाए जो अगर आपके कैटेगरी से रिलेटिव है। कैटेगरी से रिलेटिव जितने यूट्यूबर हैं, मतलब किस तरीके की वीडियो बना रहे हैं, उनको आपको एनालाइज करना है। अगर आप उन टॉपिक की वीडियो बना सकते हो तो आपको बनाना है, मतलब उनको डायरेक्ट कॉपी नहीं करना है आपको, मतलब आपको अपने हिसाब से कंटेंट बनाना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो करते लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर करें प्रेस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताएं किस अगर आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर आप किस टॉपिक वीडियो चाहते हैं कमेंट में बताएं। तो आपके सामने दो वीडियो दिख रही होंगी, आपकी वीडियो का एनालाइज कैसे करें और वाइट स्टूडियो को यूज़ कैसे करें और अपनी वीडियो का SEO कैसे करें। तो इन वाली वीडियो अगर चेकआउट आप कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।